हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वीजा क्लासेस। आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज पार्ट, जिसमें हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर और एक बोला है 3.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति है, पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद में पहुंचता है, तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे कोई भी पर्सन है ए और एक दूसरा पर्सन दे रखा है हमें बी। ठीक है, इसकी स्पीड बोला है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की बोला है 3.75। ये 3.75 दे रखा है, ये क्या है अपने पास में स्पीड है। हम जानते हैं कि ये जो टाइम लेगा इनका विपरीत जो भी रेशियो है उसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि ये 3.75 इसका रेशियो और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे यदि हम रेशियो निकालने बैठेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना भी नहीं है, क्योंकि इजी पड़ेगा। 3 में से 3.75 घटा देंगे तो यहाँ से अपने पास में 7.5, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.75 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अपने पास में डिफरेंस कितना आया टाइम का, यहाँ से आ जाएगा 0.75। ठीक है, कितना होता है ये 3/4, ये अपने पास में क्या आई डिफरेंस आया। और इसने बोला है कि जो डिफरेंस दे रखा है इसने, इसने बोला है बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है, तो ये जो डिफरेंस दे रहा है 3/4 के बराबर कितना दे रहा है, ये आधा घंटा दे रहा है। ठीक है, और हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है 3/4, क्योंकि हमने टाइम रेशियो निकाल लिया उसके थ्रू ये हमारे पास 3/4 आया है और ये बोल रहा है 1/2 घंटे इसका टाइम डिफरेंस है। यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/2 है ये उधर जाएगा नीचे, तो 3 तो नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2/3, ये ओवर में है। ठीक है, ये अपने पास में ओवर में ही है, ये अपने पास में क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में ये टाइम दे रखा है, तो टाइम का रेशियो था 3, तो हम इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/3 से। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या निकल कर आएगा, रियल टाइम निकल कर आएगा, यानी जो 3B था, ये 3.75 से जो चाल इसकी थी उसका जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना था, 2 घंटे था यहाँ पे। ठीक है, रियल टाइम क्या जाएगा 2 घंटे, तो यहाँ से हमने बोला है डिस्टेंस निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 3.75 × 2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा अपना 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन का एक टाइप से मेथड है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, अब अपने पास में ये देखिए 3 पद दे रखे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या करते हैं, जैसे ये नीचे माइनस दे रखा है आपको, तो यहाँ पे वही संख्या लेनी है लेकिन ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे 3√2 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे √6 + √3। ठीक है, नीचे वाला ये चल रहा है आपके पास में √6 − √3। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम √6 − √3, इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में एक फॉर्मूला होता है a − b a + b = a² − b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो अपने पास में जो वैल्यू आ रही है ये √6 − √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे इस फॉर्मूले से a² − b² से कर देंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आएगा, √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ऐसे ये वाली संख्याएं हैं यहाँ हो जाएगा 4√3। ठीक है, इसको नीचे वाली संख्या से प्लस लेके इसका परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा √6 + √2 अपॉन में
ये अपने पास प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, यहाँ माइनस चल रहा है अपने, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले में क्या आएगा, रूट सिक्स है माइनस ये है, तो इसका रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये वाला जो नीचे दे रखा है, आठ का रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू कर सकते हैं। फिर ये वाला है तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू रूट थ्री कर सकते हैं, ठीक है। टू से सिक्स को काट लेंगे तो ये थ्री हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, थ्री अपॉन में ये हो जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, थ्री हो जाएगा ये रूट टू माइनस, इसको इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू प्लस रूट ऑफ थ्री, ये हो जाएगा आपके पास में टू माइनस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये थ्री रूट टू है, ठीक है, थ्री रूट टू है और ये रूट सिक्स है। मैं यही बता देता हूँ, पहले इसी स्टेप में बता देता हूँ, ठीक है। सिक्स माइनस थ्री करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में थ्री, ठीक है। थ्री को काट लेंगे थ्री से, यहाँ कितना आएगा, यहाँ फोर आएगा माइनस टू, इस फोर को फोर से काट लेंगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपके पास में माइनस का वन, माइनस का इसमें माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये बस इतना ही आएगा, ये प्लस हो जाएगा, लिख लेते हैं हम क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट थ्री, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट सिक्स और ये रूट टू, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास प्लस थ्री रूट टू और ये रूट थ्री। इसको सॉल्व करेंगे, सिक्स है और ये है रूट टू, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट ट्वेल्व। रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं टू रूट थ्री, ठीक है। कैसे लिखा ट्वेल्व को, ट्वेल्व के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, टू इंटू टू इंटू थ्री, तो दो बार दो बार है तो इसका बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार दो बार आ जाएगा और रूट थ्री, ये थ्री अंदर रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस दो को और तीन को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री को रूट सिक्स से, यहाँ क्या बार आएगा, थ्री रूट टू। ऐसे इसको टू से करेंगे रूट थ्री को तो ये हो जाएगा माइनस का रूट सिक्स, ये प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री रूट टू और ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री। अब देखना, माइनस का रूट सिक्स है और ये प्लस का रूट सिक्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे रूट थ्री इधर का माइनस का और ये इधर का प्लस का, तो ये भी कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, टू रूट थ्री प्लस का थ्री रूट थ्री जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव रूट थ्री। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, जॉन जेसी की तुलना में केवल 40% कार्य कुशल है। मतलब जॉन है एक तरफ बोला है जेसी, ठीक है, कार्य कुशल है, तो इनके एफिशिएंसी बोला है हमें, एफिशिएंसी में क्या बोला है, यदि जेसी 100 है तो ये 40 ही है जॉन, इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो से जीरो कटेगा, दो से काटेंगे पाँच हो जाएगा और ये हो जाएगा दो, इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, टू रेशो फाइव। अब बोला है यदि जॉन अकेले कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, यदि जॉन किसी कार्य को करने लगे तो 35 दिन लगाता है, इसकी एफिशिएंसी जॉन की कितनी है, जॉन की एफिशिएंसी है टू, डेज कितने लगाएगा, डेज लगा रहा है 35, तो यहाँ से टोटल अपने पास में वर्क कितना हो जाएगा, 35 इंटू टू इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। अब बोला है यदि दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को करें तो कितने दिन लगेंगे, अब जॉन और जेसी साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे, अपने पास में टोटल वर्क तो कितना है, 70 है, अब इनकी एफिशिएंसी का सम करेंगे तो कितना हो गया, 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब टाइम कितना लेंगे, 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10 दिन ये लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है एक टाइप से, इसमें क्या होगा, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। एक फॉर्मूला और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा 2ab, जब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे यदि माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में देखना, ये दे रहेगा आपको 0.2 × 0.2, तो ये क्या हो गया 0.2 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 0.02 और यहाँ दे रखा है 0.02, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 का। तो यहाँ पे देखना, इसको मैं लिख लेता हूँ 2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 × ये हो जाएगा 0.2 × 0.02, इसको ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ऊपर वाली संख्या जो ये ऊपर वाला दे रखा है अपने को, न्यूमिनेटर में दे रखा है, इसको देखना आप क्या हो गया, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2ab, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो 0.2 + 0.02 इसका होल स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ माइनस आएगा, ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ये आएगा आपके माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूले से लिखा है मैंने इसको। अब नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 0.36, इसको सॉल्व करेंगे, ये है 0.20 में से 0.02 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.18 बचेगा, ये स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ 0.18, यहाँ पे आ रहा है आपके 0.36, 18 से 36 जाएगा कितने बार, दो बार, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 0.09, आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, cos 28° + sin 28° = k, तो आपको cos 17 की मान पूछा है, cos 17 डिग्री का मान, तो हम क्या करेंगे, cos हमें चाहिए तो हम दोनों को cos में बदल लेंगे, ठीक है, 28° + sin 28° क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 28 है, ये कर लेंगे, वापस जब इसको चेंज करेंगे तो sin 28 हो जाएगा, ठीक है, = k दे रखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इसको सिंपल करके लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है, इसको सिंपल किया है मैंने ओनली। अब ये अपने पास में कोस ये चल रहा था आपके पास 28, ये चल रहा था 28 और ये हो गया आपके पास cos 62° = k। अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos A + cos B, इसका फॉर्मूला होता है 2cos A + B/2, यहाँ आ जाता है cos A - B/2, और एक फॉर्मूला ये भी होता है cos A - cos B, यदि यहाँ माइनस आता है तो यहाँ हो जाता है -2, यहाँ आ जाएगा sin A + B/2, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin A - B/2, ये होते हैं फॉर्मूला। तो अभी हमारे कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे cos A + cos B है, ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2cos A + B बोला है, 28 + 62 कितना हो गया 90, 90/2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 45° हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे प्लस, ये कोस फिर से आएगा, कोस आ गया, ए माइनस भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, माइनस का 34/2 = k, ठीक है, 2 हो गया कोस, ये हो जाएगा आपके पास 45°, ये हो गया cos-17। तो एक बार मैं लिखता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, cos(-θ) क्या होता है, cos(-θ) कितना होता है, ये होता है cos(θ), और साइन में यदि -θ आता है तो ये होता है -sin(θ, ठीक है, यहाँ cos-17° आएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 17° के बराबर ही हो जाएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है cos में, ठीक है, ये दे रखा है। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2, ये हो जाएगा cos 17° = k, रूट टू से काटेंगे 2 को तो ये कितनी बार कटेगा, √2 टाइम, ठीक है, cos 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/√2, आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में एक चुनाव हुआ, ठीक है, उनमें 75% मतदाताओं ने मतदान किया है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब 100 थे तो उनमें से 75 ने ही मतदान किया, ठीक है, उन जो 75 में मतदान किया उनमें से भी 2% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त होते हैं, जो कुल वैध मतों का 75% है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, 9,261 जो अपने को मत प्राप्त हुए हैं उनका, उनको बोला है 75% के बराबर है, ठीक है, किसका, वैध मतों का, तो 100 आ जाएंगे अपने पास में, जैसे इसको 75 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और जैसे इसका 100 निकालेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे टोटल वैलिड वोट, अपने पास में टोटल जो भी वैलिड, जो अपने पास वैध मत हैं उनकी संख्या आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में बोला है जो वैध मतों का 75% है, यानी 75 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू जैसे करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वैध मतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है, ये अपने पास में वैध मत है, इसको मैं काट के लिख लेता हूँ, ये 3 बार कटेगा, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है कि मतदाताओं ने मतदान किया जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए। अब अपने पास में क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं अपने पास में वैध मतों की संख्या है, तो ये वैध मतों की संख्या है अपने पास में, ठीक है, ये 4/3। अब अपने पास वैध मतों की संख्या है तो 2% तो मत क्या थे, अवैध घोषित किए गए थे, यानी 98% क्या थे, वैध मत थे, तो ये अपने को किसकी वैल्यू दे रखा है, 98% की वैल्यू दे रखा है, हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास में जो वो आ जाएगा कि जो अपने को सेकंड मतदाता जो था जिसको 75% मत मिले थे उसकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अपने को पूछा क्या है, इसने पूछा है कि मतदाताओं की कुल संख्या पूछा है, मतलब 100 जो शुरू में वोट डले थे उनकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब जो ये अपने पास में वैल्यू आई है, ये क्या बोल रहा है, सेकंड वाले जो मतदाता था जिसको 75% वोट मिले थे, ठीक है, उसकी वैल्यू आई है, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको 75 की वैल्यू दे रखी है और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास में टोटल क्या आ जाएगा, ये जाएगा, इसको काट लेंगे 75 को 3 से और ये 4 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 9261 × 4 × 100 हो जाएगा × 4 अपॉन में चल रहा है अपने 98 × ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 1 3 ये रहा, ये हो गया अपने पास में। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, हम करते हैं इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 0, 3 7 3 8 24, ठीक है, और 3 7 21, ये आ गया अपने पास में, ये आ गया, इसको वापस से 3 से काटेंगे, 3 से जैसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा 0, 2 और ये 9, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम किससे, इसको काट लेते हैं हम 7 से काटेंगे, तो इसको 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसको हम 2 से काट लेते हैं पहले, यहाँ आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 49, फिर ये 2 हो जाएगा, 49 को 7 से काट लेते हैं और इसको भी 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, सॉरी, इसको हम 49 से काट लेते हैं सीधा, दो बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 49 से जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, ये आ जाएगा 21, अपने पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 21 × 2 × 4, ठीक है, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 21 × कितना हो गया, 2 42 × 4, इसको जैसे करेंगे कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 168 00, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्रमशः 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, उसके आधार का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कोई भी एक बाह्य आंतरिक और बाह्य त्रिज्या वाला एक खोखला गोला दे रखा है, ये सपोज एक गोला है, ये खोखला है, ठीक है, इसकी आंतरिक रेडियस बोल रहा है, ये व्यास दिया है तो इनका आधा जैसे कर लेंगे तो ये क्या रेडियस निकल कर आ जाएगी,
ये 2 सेंटीमीटर दीर्घ का आंतरिक, और ये बाहर वाली बोल रहा है ये 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही बोला आपको एक शंकु बनाना है, ठीक है, शंकु में बनाना है। इसमें क्या क्या बोला है, इसके आधार का व्यास क्या है, 8 है, तो त्रिज्या क्या क्या हो जाएगी इसकी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस शंकु की ऊंचाई पूछा है क्या होगी, तो हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम जो होगा खोखले गोले का क्या हो जाएगा, खोखले गोले का हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, ये हो जाएगा आर क्यूब। आर क्यूब तो यहाँ पे खोखला बोला है, तो ये आर क्यूब की जगह क्या आएगा, 3 का ये 4 का क्यूब -2 का क्यूब, ठीक है। इससे हमारे पास में गोले का आयतन निकल कर आ जाएगा खोखले वाले, क्योंकि एक बार जो बड़ा वाला गोला था उसका वॉल्यूम हो गया माइनस जैसे करेंगे छोटे वाले का, तो अपने पास क्या आ जाएगी, खोखले गोले का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही इसका निकालेंगे हम वी, जो शंकु दे रखा है उसका निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/3 × ये हो जाता है पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू क्या बोलिए, हमें आर की वैल्यू बोलिए 4, तो हम इसमें रख लेंगे 1/3 × π × 4² × h। पूछा है हमें शंकु की ऊंचाई, तो हम बोलेंगे इससे मिलकर बना रहे हैं, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा गोले का और जो वी बोला है शंकु, इसका दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनको इक्वल कर लेंगे, जैसे यहाँ 4/3 π ये करेंगे 4³ - 2³, इज इक्वल टू करेंगे 1/3, ये हो जाएगा पाई, ये 4² आएगा और ये एच हो जाएगा। 1/3 से 1/3 वाला 3 कट जाएगा, ठीक है, पाई से काटेंगे पाई को, ये कट गया, 4 से स्क्वायर को काट लेंगे 4 रह जाएगा, ठीक है। तो एच क्या आ जाएगा अपने पास में, एच आ जाएगा अपने पास में 4³ क्या हो गया, 4³ हो गया आपके पास 64 - 2³ क्या हो गया, 8 हो गया, अपॉन में 4 का भाग लगेगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 64 में 4 का भाग देंगे 16, 8 में 4 का देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके भाग में, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है। मान लिया कोई भी है हमारे पास में ए और बी, ये एक हर है, तो इसको ये जो इसका न्यूमरेटर है वो तो ए मान लिया, और ये जो बी था इसको क्या मान लिया, डिनोमेटर, ठीक है। उसके अंश से 3 अधिक है, अब यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस बोल रहा है कि उसका अंश जो है उसका हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया, 3 का दिया। यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि, यदि हम अंश ए प्लस 4 कर लें और बी प्लस 4 कर लें, तो इसमें वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार जो प्राप्त भिन्न होती है वो क्या होती है, 4/5 होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में यदि ए में हम 4 करेंगे, बी में 4 करेंगे, तो डिफरेंस पहले 3 का आ रहा था, तो अब भी कितने का आना चाहिए, 3 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हमें बोला है कि जो भिन्न आती है 4/5 आती है, तो यहाँ से अपने पास में अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो हम बोलेंगे 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। हमें 1 की वैल्यू, यहाँ से जो 1 आया उसकी वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से कितनी संख्या हो जाएगी, 4 3 से गुणा कर देंगे 4 को, तो 12, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गई अपने पास में जब 4 जोड़ा उसके बाद की मूल भिन्न। अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से अपन कर लेंगे 12 - 4 कर लेंगे, और यहाँ से 15 - 4 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 अपॉन में, ये हो जाएगा 11। ये पहले वाली भिन्न आ गई जो मूल थी हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि a प्लस टेन अल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अपने को, ये बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन बोला है अपने को, बोला है यदि 1 + tan α गुना दे दिया, 1 + tan 4α = 2 दे दिया, तो ये बोल रहा है अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अपने पास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अपने पास में एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, यदि हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो एक ये कंडीशन होती है 1 + tan α 1 + tan β
इज इक्वल टू क्या होता है, टू होता है, ठीक है। तो यदि हमें ये वाली प्रॉपर्टी याद है तो हम यहाँ से सीधा आंसर निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, फोर अल्फा, तो अल्फा प्लस फोर अल्फा कितना हो गया, फाइव अल्फा इज इक्वल टू जो हो जाएगा 45, क्या लिख सकते हैं, फाइव बाई फोर, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है, फाइव बटा बीस, ये यहाँ से निकल कर आती है। अब यदि हमें ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ दे रखा है वन प्लस टेन अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास में वन प्लस टेन फोर अल्फा इज इक्वल टू टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो वन से वन मल्टीप्लाई होगा वन आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई होगा टेन फोर अल्फा से तो क्या आ जाएगा टेन फोर अल्फा, टेन अल्फा होगा वन से तो क्या आ जाएगा टेन अल्फा, और टेन अल्फा टेन फोर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा टेन अल्फा टेन फोर अल्फा इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे जो वन है यहाँ पे टू है तो ये कटेगा, ठीक है, वन से इधर जाके तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे वन बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा मैं, टेन फोर अल्फा प्लस टेन अल्फा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को उसके बराबर के चिन्ह वाले उस साइड लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन अल्फा, ये हो जाएगा टेन फोर अल्फा, इसको अब मैं इसके डिवाइड में दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा टेन फोर अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन में आ जाएगा वन माइनस टेन अल्फा और टेन फोर अल्फा इज इक्वल टू वन आ गया। अब ये जो अपने पास में है ये फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन फोर अल्फा प्लस अल्फा का इज इक्वल टू वन दे रखा है, तो ये हो जाएगा टेन फाइव अल्फा इज इक्वल टू वन को क्या लिख सकता हूँ, टेन फोर्टी फाइव लिख सकता हूँ, तो फाइव बटा बीस, ये बीस हो जाएगा। फाइव अल्फा की यहाँ से कंपेरिजन करेंगे थीटा का, तो ये हो जाएगा फाइव अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाई, ये 45 को हम लिखेंगे पाई बाई फोर, ठीक है, पाई बाई फोर लिखेंगे 45 को, ठीक है, ये हो गया 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 20, यहाँ से भी निकल कर यही वैल्यू आएगी, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में आएगा वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन में बोल रहा है, चार सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, अपने पास में एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है, ये बेलनाकार एक अपने पास पात्र है, इसके अंदर पहले से पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर बोल रहा है कि तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है तो बर्तन में जल स्तर में होने वाली वृद्धि क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें बोल दिया दे रखा है इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है, इसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है, सपोज ये ऐसे है तो इसकी आंतरिक त्रिज्या जो रेडियस दे रखी है आंतरिक, ये दे रखी है आपको चार सेंटीमीटर, ठीक है, बेलनाकार बर्तन में कुछ साइड तक पानी भरा हुआ है, हमें नहीं पता कितनी हाइट तक है, ये है हाइट मान ली हमने एच। अब बोल रहा है तीन सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है, इस पानी में पूरी तरह से डुबो देते हैं, एक ठोस गोला है, ये तीन सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है, इसको पूरा डुबोएंगे तो जो बोल रहा है पानी के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे बेलन का आयतन हो जाएगा चार बटा तीन पाई, और ये हो जाएगा यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, हम बोल जो ये गोले का आयतन है चार बटा तीन पाई आर क्यूब, यानी इसका हम ले लेंगे यहाँ पे तीन का क्यूब, इसकी रेडियस दे रखी है तीन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि ये आपके जैसे डूबेगा उसके अंदर तो परिवर्तन किस में आएगा, बेलन के आयतन में आएगा, ये मान लेंगे हम बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा चार का स्क्वायर एच वन माइनस एच टू हो जाएगा, ये एच वन माइनस एच टू हो जाएगा, क्या होता है गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे ऐसे आ जाएगा, और एच
एक बार हो जाएगी अपने पास में जो पहले हाइट थी वो, और बाद में जो हाइट थी उसका अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से स्क्वायर को काट लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हो गया, और ये 3 हो गया, इजिकल टू हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा 4 है, तो इसको भी इसके डिवाइड में दे देते हैं, H1 - H2 से वैल्यू, इसको 3 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा 9/4, यहाँ से क्या आ जाएगा H1 - H2। पूछा में क्या था, बर्तन में जल स्तर में होने वाली वृद्धि क्या होगी, तो H1 - H2 की वैल्यू पूछी थी, तो 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई, हम यहाँ एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, यह आयत हो गया, इसकी लंबाई बोला है 30 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2/3 के बराबर है, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई निकालेंगे, 30 × 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब बोला है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उक्त आयत के परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप जैसे निकालेंगे हम आयत का, तो क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई आ जाएगी आपके पास 30, चौड़ाई हो जाएगी 20, यहाँ से क्या आंसर निकल कर आएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 × 2 करेंगे परिमाप हो गया। बोल रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप उक्त आयत के परिमाप के बराबर है, तो इसका जो परिमाप होगा उसका बराबर दे रखा है आपको कि जो वर्ग है उसका परिमाप भी इसी के बराबर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 4a² मान लेंगे, ठीक है, 4a इसका परिमाप हो जाएगा 4a, ए की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास में 25, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, वर्ग की भुजा आ गई ए, तो यहाँ से बोला क्षेत्रफल, तो a² कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 25 होता है आपके, 25 का स्क्वायर 625, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको वह सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से -6 अधिक हो, हम क्या करेंगे, वह सबसे छोटी छोटी धन पूर्णांक संख्या मान लेंगे x है, ठीक है, जिसका वर्ग उस पूर्णांक के स्क्वायर हो जाएगा वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से, उस ये हो जाएगा उस पूर्णांक के 5 गुने से, तो 5x हो गया, से -6 अधिक है, तो यहाँ आ जाएगा -6 अधिक है, यानी -6 हो जाएगा, प्लस करेंगे -6 तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी अपने पास में, इसको इधर लाएंगे x² - 5x कर लेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 6, इसको हम इसके हम रूट निकालते हैं मूल, तो इसको लिख सकते हैं x², यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या 2x, और यहाँ लिख सकता हूँ 3x, वापस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस 6 = 0, यहाँ से x कॉमन लेता हूँ इन दो वाली टर्म्स में, x कॉमन लिया इनसे तो क्या हो जाएगा x - 2, फिर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 3, तो क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा -2 = 0, अब x - 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x - 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई, यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू आई है 2 और एक आ जाएगी 3, तो इसमें बोला था कि वह छोटा से छोटा धन पूर्णांक चाहिए, तो छोटे से छोटा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा 2, 3 इससे बड़ा है, तो हम आंसर क्या लेंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 73,000 की राशि 13.1% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह के का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा, तो हम बोलते हैं हमारे पास में ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, पी क्या है, ये होता है मूलधन, आर होता है इसकी जो दर होती है, मतलब जो ब्याज की दर होती है वो होती है आर, टी होता है कितना टाइम लेगा जो ईयर में होता है, और अपॉन 100, तो यहाँ से हमें बोला है ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालना है हमें, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, हमारे पास में पी दे रखा है 7300, नहीं आर की वैल्यू बोली है 13.1/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 3 = 40, और ये हो जाएगा आपके पास 40/3, ठीक है, टी की वैल्यू बोला है 10 माह, तो हमारे पास में ईयर में होती है, तो इसको हम किसमें बदल लेंगे, ईयर में बदल लेंगे, तो 12 का भाग लग जाएगा, ठीक है, अपॉन में बोला है 100, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 10 दे रखा है
यहाँ पे इधर से 0 से काट लेंगे, 100 कट जाएगा पूरा, ठीक है। 4 को काटेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12, तो आंसर क्या आएगा अपने पास में, ये आएगा 73,000 अपॉन में आ जाएगा 3 गुना, तो कितना हो गया, 3 गुना 3 हो जाएगा 9। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे, 9 को इससे करेंगे, कितना आ जाएगा 9 × 72, ठीक है। फिर बचेगा आपके पास में 10, ये हो गया 1, फिर 1, फिर 1, फिर पॉइंट में एक एक चलता जाएगा। तो इसका बोला है लगभग ब्याज कितना होगा, तो इसका लगभग ब्याज हो जाएगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का एलसीएम बोला है आपको, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम 24 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम बोलते हैं दो संख्याएं मान ली ए और बी, ठीक है, इनका अनुपात दिया है आपको 1:2, तो हम बोल देंगे माना एक्स और ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये संख्या हो गई एक्स और 2x। अब बोल रहा है इनका एलसीएम, तो एलसीएम जब भी लेते हैं हम तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो गया 2 × x, इसका एलसीएम लेंगे एक्स और 2x का, तो क्या आएगा 2 × x × 1, यहाँ से 1 है तो ये इसका एलसीएम निकल कर आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 2x। इसकी वैल्यू इधर रखा हमने 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमें बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ से निकालेंगे, तो एक्स इंटू 2x ये गुणनफल हो गया, तो यहाँ एक्स की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 12 × 2 × 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, 144 × 2 करेंगे, ये हो जाएगा 144 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 288, आंसर हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एलसीएम लेना सिखा देते हैं थोड़ा सा आपको। एलसीएम में क्या होता है, जैसे आपके पास में मान लो 15 संख्या दे रखी है, एक संख्या है मान लो 15 और एक दे रखा है आपके पास में 12, ठीक है, इनका एलसीएम जैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे 15, ठीक है, 15 को हम क्या लिख लेंगे, 15 को हम इसके गुणनखंडों में लिखेंगे, जितने टुकड़े हो सकते हैं उसमें लिख लेंगे, 5 × 3 लिख लिया, ठीक है, 5 × 3 लिख लिया। अब इसको 12 को देखेंगे, इसमें 12 में जो 5 × 3 है इसमें 12 आ गया या नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है, 4 और चाहिए, 4 3 12 हो गया, अब इसके बाद में 12 भी आ गया और 15 भी आ गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पीड से निकाला जाता है, नहीं तो वो मेथड है आपके पास में वो गुणनखंड करने वाला, 15 और 12 का ये इससे निकालेंगे, 5 से जैसे देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये 12 ऐसे ही चल रहा है, 3 का दे लेंगे भाग, 3 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का भाग दे लो तो 1 1 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। ये स्पीड से निकालने के लिए है और ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेषफल बचता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे हम पहले, इनका एलसीएम क्या आएगा, वही अभी जो मेथड बताया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 3 × 2 6 6 4 24, ये आ गया। अब देखते हैं इसमें 6 आ गया, ठीक है, 3 × 2 6 आ गया, ठीक है। 10 को देखते हैं, 10 के लिए 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 को देखते हैं, 5 × 3 15 आ रहा है, ये 24 का तो हमने लिया ही था, तो इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब इसमें बोल रहा है इससे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेषफल बचे, तो इसके अंदर हम 5 और जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये वाली अपने पास में क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी छोटी से छोटी, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 5 × 2 10 तो हो गया, ठीक है। अब बचेगा क्या, 2 × 2 × 3 बचा, तो 4 3 12 और ये अपने पास में +5 चल ही रहा है, तो 12 को 10 से किए तो 120 हो गया और ये 5 चल रहा है, इसको जैसे सम करेंगे 125, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि a1 a2 a3 an r दे रखा है, बिलोंग्स टू r, इसमें बोला है x के किस मान के लिए x − a2 + x − a2² ये जो आपके पास में फंक्शन दे रखा है इसको 0 के बराबर दिया है, का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा अवकलन बता देता हूँ आपको क्या होता है अवकलन। यदि आपके पास में x की पावर n है, ठीक है, तो इसका d / dx करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, अवकलन होता है
अवकलन जैसे करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो हमारे पास में फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, एक्स की पावर एन, ठीक है, ये वाला फंक्शन था, इसका हमने एफ डैश एक्स किया, क्या आ गया अपने पास में, एन एक्स एन माइनस वन, ये आ गया। तो ऐसे ही हमें बोला है ये कोई एक फंक्शन है, इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स कर लेंगे, एफ डैश एक्स ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो पावर है टू ये आगे आ जाएगी, टू ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, दो में से एक जाएगा तो वन आएगा, तो एक्स माइनस एवन बच जाएगा, ठीक है, ये से इसका सेकंड वाले का हो जाएगा टू एक्स माइनस ए टू, ऐसे ही चलता जाएगा, और ये प्लस ये टू एक्स माइनस ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका ये अवकलन हो गया। अब यहाँ से जैसे करेंगे हम, तो ये हो गया आपके पास में टू मल्टी कॉमन ले लेंगे, ये चल जाएगा एक्स माइनस ए वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए टू, और ये प्लस 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 एक्स माइनस ए एन, ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर कर देता हूँ, तो यहाँ से जीरो के जैसे बराबर करेंगे, यहाँ से इसको जीरो के बराबर जैसे ही कर दिया हमने, टू तो उधर चला जाएगा अपने आप जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये कितने टाइम जुड़ेगा, ये देखो ए वन में भी आया, ए टू के साथ में भी आया, ऐसे ही एन के साथ में आया, तो कितने बार जुड़ेगा, एन टाइम जुड़ेगा, एन एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ आ रहा है माइनस, इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, ए वन हो जाएगा प्लस ए टू हो जाएगा प्लस ए थ्री हो जाएगा प्लस 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 कब तक चलेगा, ए एन तक ये चलेगा, इज इक्वल टू जीरो हो गया। एक्स के लिए यहाँ से हम जैसे फाउंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 और ये ए एन अपॉन में एन। अब जो एक्स की वैल्यू आई है इसके लिए एफ एक्स क्या होगा, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स जैसे करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, टू आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के ये तो जाएगा, यहाँ से पावर आएगी वन, इसका हो जाएगा एक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ऐसे यहाँ से वन आएगा, ऐसे ऐसे करते करते एन तक आएगा वन, ये हो जाएगा आपके पास में टू इंटू ये एन हो जाएगा, तो टू वन हो गया, ये ग्रेटर देन आएगा जीरो के, जब भी ग्रेटर देन आता है तो वैल्यू क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू आती है आपके पास में मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू के लिए जो वैल्यू आई है इसके लिए फंक्शन का मिनिमम मान प्राप्त होगा, हमारे पास में एक्स वैल्यू क्या आ गई, ए वन प्लस ए टू ए एन अपॉन में एन, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंसेप्चुअल जो भी क्वेश्चन है अगले क्लास में लेके आएंगे। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।